टूटा हेलमेट टूटा, जब आदमी फिसल के जाता तो दूसरी गाड़ी ने रैम कर दिया, दैट थिंग ये हुआ। नहीं तो 100 की हेलमेट में ब्लड नहीं है, हम सब नहीं पूरा डर रहे हैं। और मैंने बेटा नहीं हुआ, आपको इमेजिन नहीं। यहाँ तो देखो, यहाँ से रिकॉर्ड होगा आगे तक, तब तो सब साथ में चलेंगे, उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस से कर सकते हैं। बाकी बात रही पार्किंग की, उसके भैया के घर पे वहाँ पर पार्किंग बहुत कम है, मतलब वहाँ तो सब जाएंगी, सबको कैबरी के पार्किंग में खड़ी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। घर में पीछे तक बाइक मत लाना, जाम लग जाएगा फालतू का। जैसे ही जहाँ पर हम में से कोई एक उतर जाएगा, ठीक है, वहाँ पर सब बाइक खड़ी कर देना, ठीक है। तो अब रिकॉर्ड करेंगे, सबको प्रो राइडर चिल्लाना है, ठीक है, एक साथ जो जो रिकॉर्ड कर रहे कर लो। ये सारे तेरे बच्चे हैं, देख कितने बच्चे आए तेरे, देख ये सारे तेरे बच्चे हैं ना, इधर देख, इधर देख धनंजय भी आया, देख इधर देख धनंजय भी आया, देख देख तेरे बच्चे सब है ना, देख धनंजय भी आ रखा है। ये तू हिम्मत दो भाई, ये तुम्हारा, हाँ नहीं बाबू नहीं 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 शीतल, अच्छा रुक दो मिनट, रहने दे रहने दे, जान भी रहने दे, जान भी रहने दे, बात सुन रहने दे, मन करने को बोल लो यार, रो मत भाई, फ्री चल, फ्री चल, ये कौन है, प्रो राइडर, 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 जय श्रीकांत, जय श्रीकांत, प्रो राइडर, 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 जय श्रीकांत, प्रो राइडर।
पानी की बोतल आने दो, बोतल की पानी की आने दो, पानी पिलाओ, ये खड़ी रहने दो, वो पेटी निकाल देना पानी के सबके लिए। रैप्टर वहीं पर है, टप्पल में है, वो एटलीस्ट महीने भर में ठीक हो जाएगी या शोरूम में। उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं दर्द जाने के लिए, तो जो भी राइडर्स आना चाहेंगे प्रॉपर तरीके से हमारे साथ दो चार बड़ी एसयूवीज भी जाएंगी। हम यही देहरादून से स्टार्ट करेंगे, 10-12 दिन का टूर रहेगा। जो जो आना चाहें विद फैमिली परमिशन वो हमारे साथ चल सकते हैं, क्योंकि अगस्त ने अभी जस्ट जंजीर से लौट के उसने लद्दाख जाना था, तो आई हैव टू डू ऑल द थिंग्स जो उसने छोड़ दिए। उसकी BMW S1000 आ रहा है, मैं कल भी ला सकता हूँ, लेकिन वो उसके बर्थडे के दिन ला पाऊंगा। मैं आपको यूट्यूब के जरिए बताऊंगा। एंड जून में फर्स्ट हमारा फर्स्ट फोकस ये कि उसके रैप्टर ठीक हो जाए और जल्द से जल्द अगर हम लद्दाख पैकेज उसमें बनाए, तो जो जो हमारे साथ लद्दाख टूर पे चलना जाएंगे विद फैमिली परमिशन वो आ सकते हैं। पूरा स्टीकर एंड एवरीथिंग विल बी देयर। और ये रैली मैं अपने लिए नहीं कर, मैं कई बार लद्दाख जा चुका हूँ 4-व्हीलर में भी बाइक में भी, लेकिन उसको जाना था तो मैं उसके रैप्टर लेके ही जाना चाहूँगा। हर साइड पर जहाँ पर मैं बेसिकली इंजॉय करता था अपने बेटे को चीज सिखाना था। तो जून में आप लोग रेडी रहें, जो जो हमारे पास चल सकते हैं दे आर वेलकम, थैंक यू। और आप लोगों ने आज ये जो रैली निकाली है इसको याद करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आज वो बहुत खुश होगा कि उसके चाहने वाले भी बहुत हैं। हम साथ हैं अंकल, हम साथ हैं अंकल, आप तो बहुत बहादुर अंकल, सब लोग कह रहे हैं कि अंकल बच्चे अंकल हम भी आके बच्चे बस अंकल आप बहादुर हो बहुत अंकल प्लीज अंकल। ये खुशी के आंसू है ना, वो देखता इतनी भीड़, उसको यही चाहिए थी भीड़, लेकिन कोई नहीं, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। आप लोग इस गर्मी में आए मुझे पता है बहुत परेशानी हो रही होगी, लेकिन आप बोलोगे नहीं क्योंकि आप सच्चे दिल से उसे प्यार करते हैं। आज एक सब्सक्राइबर आया बैंगलोर से, मैं आपको बता दूं क्यों, उसके साथ बैंगलोर से आया 8-9 तारीख को, वो देहरादून आया मीटिंग में, उसने वहाँ कन्फर्मेशन किया नो राइडर मंगा आ रहा था, उनको लोकल ने उसे गाइड किया चकुरता, उसको टैक्सी वाले चकुरता ले गए 90 किलोमीटर दूर। उसके बाद उसको एक दिन वहीं रखा, वो 90 किलोमीटर फिर वापस आया, उसका फोन भी चोरी हो गया, फिर उसने पुलिस PIT का पुराना रिकॉर्ड निकाले के बहुत इंटरनेशनल का फिर रहा, तो सबसे पुराना प्लेयर नहीं था। हाँ ये हिट एंड रन का है मामला, फुटेज वगैरह कुछ वो ही है, और अभी तीन हो सकता है चौथा जो आप 360 के बारे में कह रहे हैं वो शायद मेरे को लगता है वो भी रिकवर हो गया है, मुझे कंफ्यूजन आई थी पुलिस वालों से वो भी रिकवर हो गया है, 360 वो रिकवर कर लिया पुलिस वालों ने, वो कैसे रिकवर किया वो शाम की यूट्यूब में पता होगा, क्योंकि मना किया था इसको डिस्क्लोज करने के लिए, लेकिन मैं शाम की ओपन है तो पता नहीं कोई हर, तो मैं बताऊंगा कैसे मिला वो सज्जन कौन थे, उन्होंने क्या लेटर भेजा, कौन से कुरियर के थ्रू पहुंचा, तो सारी डिटेल है। हाँ उसका कहना भी है, मतलब उसका लेटर भी है, तो कहना ये है कि एक्सीडेंट हुआ, दो राइडर एक साथ चल रहे थे, तो जो आप देख रहे ऑटो में वगैरह बंदा रहे मुंबई का, वहाँ पर धीरे भाई लेडीज और एक जेंट्स थे जो सबसे पहले वहाँ पहुंचे, और सज्जन ने कैसा करके लेकिन मुझे यूट्यूब से एड्रेस ढूंढ के उसने चाची भिजवाई है कैसे वो पहुंची है पूरा डिटेल। हमारे पास तो बचपन से गाड़ी हम आज भी देखते हैं, नई चीज आएंगे तो उसके बारे में नॉलेज करेंगे, पलट के देखेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आंखें हम बंद कर लेंगे। तो इसी पे एक ही जगह को एड्रेस किया है कुछ लोगों ने, कोई हमारा फैसला यही होगा, कोई आगे नहीं कोई पीछे, आज हमारा भी आया, हम चाहे किसी और का जाए लेकिन परेशानी जरूर होती है। और मैंने बेटा नहीं खोया, मैं आपको इमेजिन नहीं करूँगा, मैंने बेटा नहीं खोया, मैंने दोस्त
उसके शूज मैं पहन के जाता हूं, मैं पहन लेता था, मेरे शूज वो पहन लेता, मेरी शर्ट जो है अच्छी लगी वो छोटी करके पहन लेता था। आज तक उसने कभी शर्ट उतार के कभी किसी को अपनी बॉडी नहीं दिखाई। आपने पहले फोटो डाली थी, पहले नहीं दिखाई उसने आज तक। मुझे पता है वो इंटीरियर कैसा था, स्ट्रॉन्ग मैसेज उसने दी कि उसे 70 kg में कोई भी बैठ जाए उसमें मेडल लाना ही नहीं। उसका ये भी था कि एग्जाम हो चुके हैं, उधर एग्जाम हो गए चलो पुलिस में जाओ। देख लो जहाँ भी उसी में राज उन्होंने उसे कुछ लोगों ने तंग किया, और जो ये वीडियो अगर वो ब्लू पॉप देख रहे हैं जिन्होंने उसको थाने में ले गए थे। एक बार सोचना थाने वालों को ऐसे बोला क्या हाई ब्रो करे तो आपसे क्या। मैं स्पेशली बोल रहा हूँ ब्लू कप्स के लिए, मैं स्पेशली ब्लू कप्स के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपने उस बच्ची की पिटाई की, मैं जानता हूँ, मैं फेस से देखता हूँ मैं कितने अच्छे 7 लोग थे। आप इमेजिन कीजिए अगर आपके बच्चे को कोई पकड़ गए तो आदमी मारे तो आप पे क्या बीते। मैं कभी नहीं रोया सर, नेवर इन माई लाइफ, ना मैं कभी हारा। आपके बच्चे बड़े बने, अच्छे बने। आप मैं सब लोग खड़े, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और जल्द से जल्द आप राइडिंग में दोबारा शामिल। थैंक यू अंकल आ रहे हैं धीरे धीरे फिर उसके बाद गाड़ी आ जाए उसको ठीक हो जाए फिर रिटर्न लेके ही जाने। आपकी एनर्जी देख के ही वापस 17 महीने के बाद राइडिंग अपने बच्चे के लिए और आपके लिए। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, एक उसका 7 तारीख को कॉम्पिटिशन था उत्तराखंड एंड 1-4 जून मथुरा में, मुझे 15 तारीख के बाद मेरे को प्रिपरेशन करनी है उस कॉम्पिटिशन की। नेशनल चैंपियनशिप आप भी जा रहा हूँ, मैं नेशनल चैंपियन राइट हूँ 100 kg 100 kg। एक भी बोन्स में क्रैक ना, क्योंकि हाई स्पीड थी नहीं थी, फिट हुआ नीचे गिरा, पहले इम्पैक्ट में हो सकता है हेलमेट टूटा। जब आदमी फिसल के जाता तो दूसरी गाड़ी ने रैंक ये हुआ, नहीं तो 100 की हेलमेट में ब्लड नहीं है, ब्लड नहीं के बाद हेलमेट टूट गया और निकल गया सेकंड टर्म में। इट इज बेसिकली हेमरेज ये, हाँ मतलब इतने 30% और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ खुद गया तो यहाँ से आते पूरा सिला हुआ था, सब नॉर्मल है खोल जाना पड़ा। हाँ ये थोड़ा पिचका हुआ था, हाँ तो बिल्कुल ओके एवरीथिंग हो गई, पर मैंने खुद क्या कि अगर उसको सर में चोट लग गई तो फिर उसके चले जाते, कोई किराया की नहीं है कुछ भी नहीं है। अब वो कह रहे हैं हेलमेट खराब था, महीने का 15-20 हज़ार का हेलमेट स्टेडियम में देते हैं। हाईटेक हेलमेट हो, अगर आप हाईटेक के हिसाब से बोलेंगे तो डायनामिक तो मर्सिडीज में हमारी जितने इतने सारे बलून तो भी बैठ के बात कर बैठे हाँ तो भी पानी बिलो अंकल।